नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू पूर्वांचल ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी वर्णमाला। जो सी टेट, टेट सुपर टेट, पीजीटी, टीजीटी, आरआरबी, पीओ, यूपीपीसीएस, यूपी बीएड एंट्रेंस आदि एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो आइए हम आप लोगों को वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर एक शब्द, ऑप्शन नंबर दो व्यंजन, ऑप्शन नंबर तीन स्वर, ऑप्शन नंबर चार वर्ण। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है चार वर्ण। क्वेश्चन नंबर दो, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक वर्णों के संकलन को, ऑप्शन नंबर दो शब्द समूह को, ऑप्शन नंबर तीन शब्द गणना को, ऑप्शन नंबर चार वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चार हमारा सही होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर तीन, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर एक 10, ऑप्शन नंबर दो 11, ऑप्शन नंबर तीन 12, ऑप्शन नंबर चार 13। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा दो 11। क्वेश्चन नंबर चार, ए ऐ वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर एक नासिक, ऑप्शन नंबर दो मूर्धन, ऑप्शन नंबर तीन ओष्ठ, ऑप्शन नंबर चार कंठ तालब। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा चार कंठ तालब। क्वेश्चन नंबर पांच, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर एक 32, ऑप्शन नंबर दो 33, ऑप्शन नंबर तीन 34, ऑप्शन नंबर चार 35। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा दो 33। अगला क्वेश्चन नंबर छह, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर एक क ख, ऑप्शन नंबर दो या र, ऑप्शन नंबर तीन च ज, ऑप्शन नंबर चार ट ड। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा दो क ख। क्वेश्चन नंबर सात, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर एक श श स ह, ऑप्शन नंबर दो त थ द ध, ऑप्शन नंबर तीन ट ठ ड ड, ऑप्शन नंबर चार च छ ज झ। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा एक श श श ह। क्वेश्चन नंबर आठ, या र ला व व्यंजनों को कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर एक स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर दो अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर तीन ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर चार उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा दो अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर नौ, कौन स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर एक अ, ऑप्शन नंबर दो उ, ऑप्शन नंबर तीन ए, ऑप्शन नंबर चार ब। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा चार ब। क्वेश्चन नंबर दस, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर एक प, ऑप्शन नंबर दो ट, ऑप्शन नंबर तीन द, ऑप्शन नंबर चार फ। हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा तीन द। अगला क्वेश्चन नंबर ग्यारह, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। ऑप्शन नंबर एक अ अ, ऑप्शन नंबर दो क ग, ऑप्शन नंबर तीन थ ध, ऑप्शन नंबर चार प फ। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा दो क
ग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 क, ऑप्शन नंबर 2 छ, ऑप्शन नंबर 3 व, ऑप्शन नंबर 4 ज्ञ। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा 3 व। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर हैं। ऑप्शन नंबर 1 या, ऑप्शन नंबर 2 प, ऑप्शन नंबर 3 र, ऑप्शन नंबर 4 ल। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा 1 या। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर 1 50, ऑप्शन नंबर 2 52, ऑप्शन नंबर 3 54, ऑप्शन नंबर 4 55। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा 2 52। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 दीर्घ, ऑप्शन नंबर 2 लुप्त, ऑप्शन नंबर 3 हर्ष, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त तीनों। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा 4 उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर 1 तालव, ऑप्शन नंबर 2 मूर्धन, ऑप्शन नंबर 3 दंतोष, ऑप्शन नंबर 4 कंठोष। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा 4 कंठोष। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर 1 च, छ, ज, छ, ऑप्शन नंबर 2 प, ह, ब, भ, ऑप्शन नंबर 3 त, थ, द, ध, ऑप्शन नंबर 4 ट, ठ, ड, ड। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा 1 च, छ, ज, छ। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 स्वर, ऑप्शन नंबर 2 व्यंजन, ऑप्शन नंबर 3 अयोग, ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 3 अयोग व। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है। नंबर 1 था, नंबर 2 क, ऑप्शन 3 व, ऑप्शन 4 च। तो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 1 था। क्वेश्चन नंबर 20, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 मूर्धन, ऑप्शन नंबर 2 तालव्य, ऑप्शन नंबर 3 दंत, ऑप्शन नंबर 4 ओष्ठ। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा तालव्य। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा।